हम स्वस्थ रहने के लिए नित्य रूप से ड्राई फ्रूट्स का सेवन करते हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट्स में काजू खाना स्वास्थ्य के लिए कितना फायदेमंद है, आज मैं आपको ये जानकारी देने वाला हूँ। जो लोग बार बार थक जाते हैं, कमजोरी महसूस करते हैं, जिनकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल से परेशान रहते हैं, जिनका समय से पहले ही स्किन बूढ़ा हो जाता है, जिनकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, जिनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं कर पाता है, और जो विशेषकर पुरुष लोग अपने पार्टनर के साथ में ज़्यादा समय व्यतीत नहीं कर पाते, ऐसे लोगों के लिए काजू खाना एक रामबाण औषधि खाने के समान है। बस 2 मिनट से भी काफ़ी छोटी वीडियो रहने वाली है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर दोस्तों आपको यह जानकारी ज़रा सी भी पसंद आए तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन अप होता है और मेरा मन करता है कि मैं आपके लिए नई नई वीडियोज़ हमेशा लाता रहूँ। सबसे पहले जानते हैं इसके फ़ायदों के बारे में, उसके बाद में जानेंगे आपको कितनी मात्रा में और कैसे काजू का सेवन करना है। शरीर में एनर्जी बनाए रखता है, काजू को ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत माना जाता है, इसे खाने से सेहत को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन इसे ज़्यादा मात्रा में खाना नहीं चाहिए। अगर आपका मूड बेमतलब ही ख़राब हो जाता है तो आपको 2-3 काजू खा लेने से ही इस समस्या से आराम मिलता है। प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, काजू में प्रोटीन अधिक मात्रा में होता है, इसलिए इसे खाने से बाल और त्वचा स्वस्थ और सुंदर हो जाते हैं, त्वचा बनती है चमकदार। काजू खाने से त्वचा का ग्लो करने लगती है और रंगत भी निखर जाती है। सौंदर्य बढ़ाने के लिए अक्सर ही घरेलू नुस्खों में इसका उपयोग किया जाता है। याददाश्त होती है तेज, काजू विटामिन बी का खजाना है, भूखे पेट काजू खाकर शहद खाने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, काजू खाने से यूरिक एसिड बनना बंद हो जाता है और इसके सेवन से ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है, को मजबूत बनाता है। काजू में प्रोटीन अधिक होता है जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। काजू में मौजूद मोनोसैचुरेटेड फैट दिल को स्वस्थ रखता है और दिल की बीमारियों के खतरे को कम करता है। पाचन शक्ति को बनाता है मजबूत, काजू में एंटीऑक्सीडेंट पाचन क्रिया को मजबूत बनाने के साथ ही वजन को भी संतुलित करता है। सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण फायदा है पुरुषों के लिए, जो पुरुष बार बार थक जाते हैं, कमजोरी महसूस करते हैं ना, अपने पार्टनर के साथ में समय व्यतीत नहीं कर पाते, ऐसे लोगों को भी काजू खाना बेहद ही ज़्यादा फायदेमंद है। जानते हैं आपको काजू का सेवन कब और कैसे करना है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि काजू की ज़्यादा मात्रा का सेवन ना करें, आपको रोजाना 5 से 6 काजू का ही सेवन करना है। देसी घी और नमक में भुने काजू, इसे काजू की कैलोरी बढ़ेगी। बढ़ता बच्चा अगर साबुत न खा पाए तो उसे भूनकर दे सकते हैं। वजन घटाने वाले लोग इसके सेवन से बचें, वहीं वजन बढ़ाने वाले लोग इसे भून करके बेझिझक सेवन कर सकते हैं।